ठीक है। बस तो पबजी बैन होने के बाद जो फौजी आई है, फौजी की लो मतलब पोस्टर जो आई है, फौजी की पोस्टर एक जगह से कॉपी किया हुआ है, तो ये वीडियो बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया भाई सच की राह पे चलोगे तो गाली ही मिलेगा जैसे मुझे मिला है। और भाई क्या बताए, फिर भी हम लोग सच की राह पे ही चलेंगे, बट क्या बताए। और पब्लिक आजकल क्या हो गया पता नहीं, पब्लिक को सच अगर दिखाए तो उल्टा गाली देते, मतलब लाइक से डिसलाइक ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो में क्या बोला था तो आप लोग भी जाके देख सकते हो, और वीडियो में मतलब अगर गाली देना हो तो इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा मैं वो वाली वीडियो, जाके गाली दे देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला था, वो वीडियो में एक से एक प्रूफ मैंने दिया था, जैसे कि जो लोगो है वो एक म्यूज़िक कंपनी की है, तो ये लोगो बहुत दिन पहले मार्च की 11 तारीख को लॉन्च हुआ था ये लोगो, मतलब ये पोस्टर, और उसके बाद भाई फौजी जो कॉपी करके लिया है। और जैसे कि ये बंदा बोल रहा है पबजी अभी तक खेल सकते हैं, तो अगर पबजी भाई खेल सकते हैं या मुझे भी पता है, बट आप अगर खेलोगे तो गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट बैन क्यों किया पबजी को ये तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट क्यों बैन किया। ठीक है, कोई गलती हो जाए बोलने पे तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भाई साहब बोल रहे हैं भाई गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट गेम नहीं बनाती। ठीक है, हाँ भाई साहब एकदम सही बोला, गवर्नमेंट गेम नहीं बनाती, बट जो गेम बनती है ना उसको अप्रूवल गवर्नमेंट ही देती है। तो गवर्नमेंट ऐसा मतलब कैसे दे सकता है, एक कॉपी वाला मतलब एक पोस्टर से कॉपी किया हुआ एक पोस्टर कैसे दे सकता है। और इधर जो पोस्ट किया था अक्षय कुमार ने, तो उधर भी बोल रहा था मतलब हमारे मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। भाई ये मैं नहीं बोल रहा भाई सपोर्ट मत करो, बट मेरा मानना ये है जैसे कि मतलब पॉलिटिक्स करते हैं ना, जैसे कि वोट के पहले एक बोलते हैं, वोट के बाद और एक बोलते हैं, तो वैसे टाइप की हो गया मतलब। तो कि बस मैं एक बार भी नहीं बोल रहा गवर्नमेंट के सपोर्ट मत करो, मैं कल वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उधर भी मैंने कहीं नहीं बोला गवर्नमेंट के मत सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, बट मेरा मानना है पहली बार इंडिया में कोई गेम आ रहा है तो उसका अगर पोस्टर ही कॉपी करा हुआ है तो गेम के अंदर क्या होगा, आप लोग ही बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं। और भाई जैसे कि देख सकते हो एक चैनल है उसका 4 वीडियो छोड़ा था कल, 4-5 वीडियो छोड़ा था, और कल एक वीडियो वो फेक वाली वीडियो, जैसे कि गेम की पोस्टर आई है जस्ट, गेम की रिलीज डेट भी अभी तक नहीं बोला, और वो ट्रेलर छोड़ दिया, और उसका वीडियो 7 लाख के ऊपर व्यू चला गया। मतलब समझ सकते हो भाई पब्लिक क्या मतलब पसंद करती है, झूठ भाई, बट हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाली आर्टिकल भी आप लोग जाके देख सकते हो, कितने तारीख को, मार्च को 8 तारीख को ये आर्टिकल पोस्ट हुआ था, आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, मतलब क्या चल रहा है यार, अगर कोई सच बोलेगा तो उसको गाली पे गाली पड़ेगा, मतलब क्या बताए। और क्योंकि बस ये जो पोस्टर है ओरिजिनल पोस्टर जिन लोगों का है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो 4.5 लाख की तरह मतलब सब्सक्राइबर है इन लोगों का। ये वो यूट्यूब चैनल पे गेम का मतलब गेम का जो ट्रेलर होती है, गेम का जो बैकग्राउंड साउंड होती है, VGM होती है, वो सब बनाती है। हो सकता है भाई जो ये पोस्टर है इसका जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक ही हमारा ग्लोबल मतलब जो फौजी है गेम के अंदर देखने को मिले, थीम सॉन्ग हो सकता है उसका। और भाई इसलिए और फौजी को कल लॉन्च किया है, उसके पहले लॉन्च नहीं किया, और उसके साथ साथ ये पोस्टर की भी जो गाना है वो गाना भी कल ही लॉन्च किया, तो हो सकता है इस दोनों की कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हमारे गवर्नमेंट भी अप्रूवल दे रहा है जब, तो भाई कुछ ना कुछ तो मसला होगा ना इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मसला नहीं हो जस्ट यू ही कॉपी किया है, तो मैं बताना चाहूँगा भाई इंडिया में पहली बार कोई गेम आ रही है तो इतने सारे डेवलपर है हमारे, इतने सारे गेमर्स है, तो उन लोगों को बोल सकते थे एक अच्छा लोगो बनाने के लिए, एक अच्छा पोस्टर बनाने के लिए, वो लोग बना सकते थे। ठीक है, और नाम भी एक जैसे रहेगा, मतलब फौजी जो गेम है ना वो बहुत पहले लॉन्च होने की बात हुई थी, तो उसके बाद अचानक गायब भी हो गई थी, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि पबजी आ गया था। तो अभी फिर से पबजी को बैन करके ये गेम ला रहा है, तो इंडियन गेम होगा, और इसमें जो जो मतलब लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो लोग पैसा देगा, तो सब पैसा इंडिया के अंदर ही रहेगा, बाहर से कोई किसी का फ़ायदा नहीं होगा, इंडिया की फ़ायदा होगा, तो अच्छा है। तो मैं नहीं कह रहा भाई इंडिया को सपोर्ट मत करो, गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करो, ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट करो, बट वो क्या कर रहा है अभी तक पता नहीं चला, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो वैसे पबजी बैन वाली बात 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ था, और उसके बाद कल जाके प्ले स्टोर से वो गेम हटा दिया, और उसके बाद ही शाम को ये वाली लॉन्च हुआ, ये क्यों हुआ ये मुझे पता नहीं। ये आपके पास अगर आंसर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि पहले क्यों नहीं दिया यार फौजी की जो लोगो है। और जो भी हो सकता है दोनों मतलब कॉपी किया नहीं हो, वो उसका थीम सॉन्ग हो सकता है,
तो मुझे जो लगता है मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ, तो उसके बाद अगर आप लोग ये वाली वीडियो में भी गाली देना चाहते हो तो गाली दे सकते हो, डिसलाइक भी ओपन है, आप लोग डिसलाइक भी दे सकते हो। और अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। और थोड़ा वो वाली वीडियो जाके देख लो, और उधर अगर आपको लगे मैं गलत बोला हूँ तो दो चार गाली तुम भी दे दो, और अगर लगे सही बोल रहे हो तो भाई अच्छा सा एक कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड ऐसे ही प्यार देते रहो, और लव यू गाइस। आज थोड़ा गला ख़राब है तो माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई का तबीयत थोड़ा ख़राब है, उसके बाद भी वीडियो बना रहे हैं, और कल से थोड़ा अपसेट था इतने सारे गाली देखने के बाद। ऐसे मेरे साथ पहले भी हुआ, जब मैं 10 रॉयल पास गिव अवे किया था तो बहुत लोगों ने बोला था मैं बुरा यूट्यूबर हूँ, उनको रॉयल पास नहीं दिया, इसलिए तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ। बस इस बार डीमोटिवेट नहीं हुआ और एक नया वीडियो सुबह सुबह ले आया आप लोगों के लिए। तो आप लोग डिसाइड करो भाई मैंने गलत बोला कि नहीं बोला, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड ऐसे ही प्यार देते रहो, और लव यू गाइस। ये रिलेटेड और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के, उधर भी ज्वाइन हो जाइए क्विक अपडेट के लिए।